Here, today we will study words in use of chapter 4. Okay, take out your page number 33. Here, take out page number 33. And here we will study about idioms. Idioms means muhavra. इसे हिंदी में मुहावरा कहा जाता है. आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, आँखों का तारा या अंधे की लाठी. मतलब कि क्या कि आपका इसका अर्थ अलग रहता है, ये इन सब शब्दों का अर्थ अलग निकलता है, इसका जो लिटरल मतलब जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उससे अलग रहता है. आँख का तारा, वो अपने माँ का आँख का तारा है, मतलब बहुत ही दुलारा है. इसी तरह से यहाँ पर हम लोग idioms इंग्लिश में पढ़ेंगे. देयर आर मेनी idioms, बट वी रीड हियर फ्यू idioms दैट इन दिस चैप्टर ऑल्सो इट इज गिवन. वन इन देयर इट इज देयर इट इज अ वन यू कान टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. ओके, हियर इट इज जस्ट इट इज इन द बुक ऑल्सो दीज लाइन्स वेन आंट पॉली सेज दीज वर्ड्स. ओके, तो ये एक फ्रेज है जो एक वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं, जिसका ये लिटरल मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स इट इज रिटन हियर. जो वर्ड्स लिखे गए हैं उससे लिटरली जो डिफरेंट एग्जैक्ट मीनिंग होता है उससे दूसरा होता है. तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. तो इसका मीनिंग जो हुआ, ओल्ड पीपल आर सो यूज्ड टू डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे दैट दे डोंट वॉन्ट टू और कांट लर्न अनदर वे. ओल्ड पीपल्स मतलब जैसे बहुत सारी आदतें हो जाती है ओल्ड पीपल्स में, जो कितना भी आप उसको सिखाइए वो अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ सकते. इट इज ओल्ड डॉग हेयर बट इट इज जस्ट डोंट मीन दैट इट इज टेलिंग अबाउट द डॉग. डॉग के बारे में नहीं बता रहा है. ओल्ड डॉग मीन्स हेयर ओल्ड पीपल. सो इट्स idioms में जो होता है वर्ड्स का, उसका एग्जैक्ट मीनिंग ना होकर क्वाइट डिफरेंट मीनिंग इज देयर. लिटरल मीनिंग कुछ और ही होता है, जो लिटरली इट इज क्वाइट डिफरेंट. So, what do you mean by here? It is defined here in this. Here you can see a group of words having a meaning different from that of the separate words making it up is called an idiom. Means here I just explained you now, a group of words having a meaning different from that of the separate words. जो अलग अलग वर्ड्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा. तो ये idioms का नहीं होता. ये बहुत मुहावरे जो होते हैं बहुत ही फेमस होते हैं. अकॉर्डिंग टू कंट्री इट ऑल्सो गेट फेमस. अब बहुत सारे हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसे मुहावरे लोग करती है जो लोग यूजली हिंदी में बोलते ही हैं. idiom इज ऑल्सो दैट इज इन द इंग्लिश दैट इज यूज. ओके, इसका एग्जैक्टली इन द सेपरेट वर्ब मेकिंग इट अप इज कॉल्ड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेपरेट वर्ब making it up is called an idiom. Okay, now here are some idioms given. Let us look at more idioms and their meaning. With the meanings are here given. Have butterflies in your stomach. A butterfly is stomach mein nahi hai, magar have butterflies in your stomach matlab pet mein butterflies. So what do you mean by it? It is quite different meaning. So what is the meaning of it? To be nervous before doing something. You just get nervous before doing something. That it is cute. Now here, make a mountain out of a molehill. Okay? तो यहाँ पर words का exact यह मोल जो होता है चंदर से सो कहते हैं उसका mountain molehill. मतलब छोटा सा होल को हिल को एक माउंटेन बनाना, बहुत ज़्यादा राय का पहाड़ बनाना जैसे कह सकते हैं हिंदी में. Make an unimportant matter seem important. और इसको जो मैं कह अनइम्पॉर्टेंट मैटर सीम इम्पॉर्टेंट, जो अनइम्पॉर्टेंट मैटर है मतलब कोई उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मगर उसको राय का पहाड़ बनाना जैसे मैंने हिंदी में भी समझाया. बी अ स्पिटिंग इमेज ऑफ. और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ, टू लुक एग्जैक्टली लाइक समवन एल्स. हेयर टू लुक एग्जैक्टली लाइक समवन एल्स. तो ये एकदम सेम मतलब कि रहना सेम इसी तरह से लुक उसका दिखना. Get cold feet, ठंडा होना हाथ पैर ठंडा होना. To become nervous about something you had planned to do, हाथ पैर ठंडा हो जाना nervous होना. Be in same boat, एक ही नाव की तरह सवार होना, एक ही नाव पर दो सवार होना. तो यहाँ पर be in the same difficult situation, मतलब सब ये नहीं कि एक नाव पर सवार हो गए. इसका क्या हुआ मीनिंग, बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन. दोनों को एक ही तरह का सिचुएशन को फेस कर. बी डाउन इन द डम्प्स फील ब्लू.
बी अनहैप्पी, खुश नहीं रहना, मतलब बी इन द ड्रम्स एंड हेयर बी अनहैप्पी, इसका मीन हुआ कि बी अनहैप्पी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टेल अ सीक्रेट यूजली बाय मिस्टेक। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एज सेड शेड इन देयर स्टोरी, वी हैव सीन दैट, वी हैव रेड हेयर दैट सिड किस तरह से उसकी पोल खोल रहा था टॉम की। यहाँ पर लेट द कैट आउट ऑफ द टेल अ सीक्रेट यूजली बाय मिस्टेक, मतलब कि मिस्टेक्स में ही, मतलब गलती से वो पूरी सीक्रेट को पोल खोलना, सीक्रेट खोलना। टिकल पिंक, गुलाबी होना। वेरी प्लीज्ड, मतलब बहुत खुश होना। कूल ऐसा कुकम्बर, ठंडा होना, कुकम्बर कुकम्बर की तरह ठंडा होना। हेयर बी काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और जब एकदम शांतिपूर्ण रहना, मतलब मुश्किल समय में भी शांतिपूर्ण रहना। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो ये फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स कि पर्सन हु फील्स अनकम्फर्टेबल बिकॉज ही और शी इज इन एन अनफैमिलियर प्लेस और सिचुएशन, मतलब अनकम्फर्टेबल फील करना, जैसे कि मछली जल से जैसे बाहर आ जाती है तो किस तरह से वो अनकम्फर्टेबल रहती है, उसी तरह से इसका ये मीनिंग हुआ। ये हम लोग देख सकते हैं, जस्ट वी कैन सी दैट द ऑल द idioms नॉट एग्जैक्टली द वर्ड्स गिविंग द सेम मीनिंग, बट इट हैज़ अ क्वाइट डिफरेंट लिटरल मीनिंग फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद idioms फ्रॉम द टेबल। हेयर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम दीज टेबल्स, वी फ्रॉम दीज idioms वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। हेयर फर्स्ट वन इज डन, आई हैव डन हेयर ऑल द हेयर फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। When Tom came to live with his aunt, he felt like he was not uncomfortable, so he is fish out of water. Now, Tom ran away from Aunt Polly as Sid let the cat out of the bag. As I have already said, the Sid was trying to tell the fault of the Tom that what he has done the whole day, secrecy was going to reveal by Sid. Secrecy jo tha, wo reveal hone wala tha. Let the cat out of the bag. Now third number is Arun had butterflies in his stomach as he went on the stage to act in a play. Here butterflies in his stomach. Here I have nervousness. Okay, this is the here the nervousness. Okay, nervous ho gaya jab wo stage par gaya. Now here Arushi was tickled pink when she stood first in class, means very pleased when she stood first in class. Ketan is down in the dumps as he has lost his job. Feel blue, not happy, very unhappy as he has lost his job. Down the dumps, that means here unhappy. Now here number 6, Sia wailed that she had fractured her hand. Her mother said it is a minor bruise. Bruise means हल्की चोट है. और Sia had fractured her hand. Wailed मतलब शॉर्ट रोना लगी कि जोर से. She had fractured her hand and mother said it is a minor bruise. मतलब हल्की चोट है. Don't make a mountain out of a molehill. राय का पहाड़ बनाना, मतलब कि जैसे कि छोटी सी बात में, मतलब चोट तो नहीं लगी, हल्की सी चोट आई है, ज़्यादा चोट फ्रैक्चर नहीं है. Light, slight chur, matlab bruise it is. Now, Atul wanted to donate blood, but he got cold feet and refused, okay? At the last minute, means he wanted to but got nervous while he went to donate the blood. Now, having lost their job, Sudhir and his friends were in the same boat. अब यहाँ पर हैविंग लॉस्ट देयर जॉब, सुधीर एंड हिज फ्रेंड्स वेयर इन द सेम बोट, मतलब दोनों अब सेम बोट पर हैं कि मतलब दोनों की जॉब चली गई है. डैनी यू आर द स्पिटिंग इमेज ऑफ योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के सेम लुक है, स्पिटिंग इमेज दैट द सेम लुक है, आई हैव टोल्ड यू एक्सप्लेन देयर. दाउ दे वेयर सराउंडेड बाई एनिमी फोर्सेज, द सोल्जर्स वेयर कूल एज कुकुम्बर, मतलब शांत है, दे वेयर cool as a cucumber. They were surrounded by enemy forces. So this is all that I have done here. Now you must have understood the exercise. Okay, this you will do it in your homework only. Okay, do this exercise in your homework copy. Idioms you will write in your classwork copy. This table you will write in your classwork copy. Here with the definitions, here it is given, you will write it here in the
class work copy, okay? And this exercise in your homework copy. Okay? Now understood what I have told you? So do it. Thank you.